11 जनवरी 1982 उस दिन तक बॉम्बे पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसे लोग याद रखते। मुझ में ही खुजली थी इतिहास बदलने की। मेरा नाम मन्या सुर्वे, मैं एसीपी आफाक बागरा। इतिहास मैंने बदला था। उस दिन तक बॉम्बे पुलिस के हाथ कायदे और दायरे ने बांध रखे, मैंने वो हाथ खोल दिए। ये कहानी उस पहले पुलिस एनकाउंटर की है। बराय परीक्षा झाली? हां झाली। पेपर कसे गेले? चांगले गेले। अरे कब तक मुंह लटका के रहेगी? तेरे चेहरे पे सिर्फ हंसी अच्छी लगती है, ये ले। बात मत कर मुझसे, थोड़ी मदद नहीं कर सकता था? एक आंसर ही तो पूछा था। जो गलत है वो गलत है, और मैं कुछ गलत नहीं करता। एक बात बता, 4 साल से हम लोग एक साथ में हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। एक भी बार अपने घर लेके गया है या कभी आई से मिलवाया है? उसमें कुछ गलत नहीं है? अरे टाइम आने पर ले जाऊंगा बाबा। हाँ टाइम आने पर ले जाऊंगा, अभी अपनी फैमिली से मिलवाया नहीं है, मेरी फैमिली से पता नहीं कब मिलेगा। मिलूंगा और मिलवाऊंगा भी, पहले तेरे चेहरे से ये मायूसी हटा और झगड़ा बंद कर। झगड़ा तभी होता है जब दर्द होता है, और दर्द तभी होता है जब प्यार होता है, पता है? ये ले। मनोहर, अगर मैं तेरी आई को अच्छी नहीं लगी तो फिर भी शादी करेगा मुझसे? कोई चांस नहीं, आई की पसंद मेरी पसंद। आई मनोहर जी, विद्या मैं संगीत होता ना। हो, हो। शिव जयंती चे शुभेच्छा। कितने शुभ दिन पर हमारे घर आई हो, आओ आओ। मेरी मन्या की किस्मत अच्छी है। काय रे मन्या, एवढी गोड पोरगी तुझ्या बरोबर काय करते? काय करते म्हणजे? लव करते। और कैसे नहीं मिलती मन्या को ये? हाँ, इस घर में दो ही चीज तो स्पेशल है, आई का चिकन और आई का चिकना। दादा तू तो शहर से तड़ी पा रहे ना। कस्ता तड़ी पा रहा? वो साला भटक करके आदमी को ठोका, दो रिप टूटा और मैं तड़ी पा? तेरे पीछे से भाट करके छोकरे लोग रोज आकर परेशान करते थे, तेरा पता पूछते थे, कब तक ऐसे चलेगा भार्गव, कब खत्म हो जाएगा ये लफड़ा? ये भगाई सब खत्म हो जाएगा, एक बार भाटकर को ठोका ना सब खत्म। फिर तू काय को इतना टेंशन लेती है? मन्या की शादी का टेंशन लेना। वंटा शादी मनाएगा इधर, 3 दिन तक चाली में लाइटिंग और हर रात चाली में पिक्चर। Please save him!
जो आज हुआ मैं बचपन से देख रहा हूँ। मेरा सौतेला बाप रोटी खिला सका या नहीं, मार जरूर खिलाता था। और आई आई मुझे बचाते बचाते खुद को बचाना भूल गई। इसीलिए कॉलेज और पढ़ाई मेरे लिए बहुत जरूरी है। उस दिन मैं तुम्हें आंसर दिखा सकता था, लेकिन मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहता जिससे मेरी इस उम्मीद पे आफत आ जाए। एक बार पास होकर अच्छी नौकरी मिल जाए फिर पलट के देखूंगा भी नहीं। फिक्र मत करो मनोहर, सब ठीक हो जाएगा। क्या मनोहर, तू आज के दिन भी लेट हो गया? अरे बाबा, रिजल्ट से आज मंदिर गया था, आजूबान से आशीर्वाद घेला। काय तरीका है, आई बाबा आने वाले हैं। पहले रिजल्ट्स। तुझे उन्हें मिलना है। हाँ मिलूंगा बाबा। हे विशाल। हाँ। अरे रोल नंबर 118, मेरा स्कोर बता ना। आप देखे बताता हूँ अभी। 302 दफा 302। क्या रे? रिजल्ट देख के क्या उखाड़ लेगा तू? तेरी कलम में चाहे स्याही साफ क्यों ना हो, लेकिन तेरी रगों में गंदा खून बह रहा है। मैंने क्या किया सर? अपने भाई के साथ मिलकर मरण नहीं किया तूने? मैंने नहीं किया सर, आप मार क्यों रहे हो? सबके सामने मार खाते हुए शर्म आ रही है तुझे? मर्डर करते हुए शर्म नहीं आई थी? देखिए सर, आप सही नहीं कर रहे। पुलिस वाले का हाथ पकड़ता है तू? पुलिस वाले तेरी है मचाल। मेहनत से पढ़ाई की ताकि आपके जैसा बाल बच्चे वाला अच्छा आदमी बन सकूं, प्लीज। अच्छा आदमी? अरे देखो किसने कहा कि मैं अच्छा आदमी हूं रे? अरे मुझे तो मेरे बच्चे भी कमीना समझते हैं। सब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज प्लीज, मेरे कोई गलती नहीं की। सही कह रहा तू, तूने कोई गलती नहीं की, गलती तो तेरे बाप ने की है। साले ने दोनों बार चूतिए पैदा किए हैं। अरे ठोको 302 हॉस्पिटल लेना। ठीक है साहब। तुम सबने धोखा दिया, खाकी की इज्जत करता तो आज खाक में नहीं मिलता। खाक में तब मिलूंगा ऑफिसर जब राख बन जाऊंगा। जान अभी बाकी है। जितनी भी गोलियां मारी तूने, सबकी सब काम छोड़ निकली। कमाल है, जिसम से आधा खून बह गया लेकिन फिर भी तेरी चर्बी नहीं गई। वैसे हर किसी के मुकद्दर में उसके हिस्से की सांस लिखी होती है, लेकिन अब तो तेरे हिस्से का मुकद्दर ही खत्म। पहले उमर कैद वालों को बाहर निकालो। चलो उतरो। Thank you.
पहला दिन है ना, भूख नहीं लगेगी। तेरी रोटी तेरी प्लेट में बेकार जाए, उससे अच्छा शेख मुनीर के पेट में जाके डकार आए। खाया ना तो जान बचानी पड़ी, वरना तू भी अपने भाई के साथ इस टेबल पर राम और श्याम की तरह पड़ा होता। एक बात याद रखना, जेल में लड़ना मरना मारना सब माफ है, मुंह खोलना माफ नहीं है। जेलर के सामने मुंह मत खोलना, समझा? बता इनमें से कौन था? पता नहीं, मैंने चेहरा ठीक से नहीं देखा। जेल में आए एक दिन हुआ नहीं, यहाँ के उसूल सीख गया तू? सर जी, आपका स्वयंवर अगर खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? इन सबको छोड़ दो और पोतिया को अंडा सेल में डाल दो। मुनीर, थैंक यू। थैंक यू बोलने में इतनी जल्दबाजी मत कर। दो बॉटल ओल्ड मैन रम तुझे और तेरे भाई को मारने की कीमत। बाहर किसको मारा है तू? किसी को नहीं, मैं निर्दोष हूं। अबे साले, जेल में निर्दोष और रंडी खाने में निरोध, दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि एक बोतल तो उसे मिल गई, अब चार हफ्ते में पोतिया बाहर निकलेगा अपनी दूसरी बोतल के लिए। यानी कि तेरे पास चार हफ्ते हैं जीने के लिए और उसके पास पीने के लिए। नहीं, मेरे पास चार हफ्ते हैं तैयार होने के लिए। साला तुझे कौन तैयार करेगा? तू। मैं क्यों करूंगा? क्योंकि तूने मेरा नमक खाया। तू अगर ऊपर नहीं गया ना तो एक दिन बहुत ऊपर जाएगा। शादी? अगले महीने, लेकिन मैंने हाँ नहीं की। क्यों, किसका इंतजार है? तेरा मनोहर, तू नहीं चाहता मैं तेरा इंतजार करूं। करना होता तो पूछती नहीं, और अगर आज तू यहां ना होता तो पूछना ना पड़ता। तो क्या मेरी गलती है कि आज मैं यहां हूं? तो तू क्या कहना चाहता है? जो हुआ मेरी वजह से हुआ। जब तू जानती है तो मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती है? तू झगड़ा कर रहा है या छुटकारा पा रहा है? जिस चीज के लिए तू यहाँ आई है वो कर रहा हूँ, तुझे आजाद कर रहा हूँ। आजादी तो हम दोनों की किस्मत में नहीं है। उम्र क्या है तुझे हुई है और सजा मैं भुगत रही हूँ। अरे कौन सी सजा? खुली हवा में सांस लेने की, किसी और मर्द के साथ घर बसाने की, जो सपने हमने देखे थे किसी और के साथ गुजारने की। तो तू क्या चाहता है मैं क्या करूं? हाँ कह दे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सलाम भाई। भाई सलाम। मनिया देख, ये है वीरा। सलाम भाई। सलाम भाई। सलाम भाई। साले में इतना मसल है कि किसी को भी मसल सकता है। पोतिया से लोग सिर्फ डरते हैं, लेकिन इसे डरते हैं और इज्जत भी करते हैं। अगर तुझे कोई तैयार कर सकता है तो वो है वीरा। क्या चाहिए?
मैं तेरे से सीखना चाहता हूँ। सभी सीखना चाहते हैं, लड़ना मजाक नहीं। मैं मजाक नहीं करता, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। गुरु को बड़ा उसका शिष्य बनाता है। अगर एकलव्य ने अंगूठा नहीं काटा होता तो द्रोणा को कोई थोड़ा याद रखता। मैं तेरा एकलव्य बनने को तैयार हूं। उसने अंगूठा काटा था, मैं तेरे लिए हाथ कटवाऊंगा, क्या बोलता? तो समझते को तेरा द्रोणा मिल गया। शान की माँ की आंख, यहाँ जान से खेलो, जान लो या जान दो। जानवर तो तू हमेशा ही था, इसलिए तो आज कुत्ते की मौत मर रहा है। सब पुलिस की मेहरबानी है, मुझे माँ के पेट पे कम, पुलिस स्टेशन के गेट पे ज्यादा बंद है। मैं पोते को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मौत तो तेरी लेने के फिराक में हमेशा थी मनिया, नसीब वाला है तू कि जिंदगी ने कुछ दिन और तुझसे इश्क फरमाया। क्या बात है ऑफिसर, मुझे लगा कि तू सिर्फ धोखे से गोली मारने वाला कायर है, लेकिन तू तो शायर भी निकला। जब मैं जेल में जिंदगी से इश्क फरमा रहा था तो तू क्या कर रहा था? उन दिनों मस्तान गैंग पूरी मुंबई शहर की बजा रहे थे। हम पुलिस वाले बेबस थे क्योंकि कायदे और दायरे हमारी बजा रहे थे। आगे वा, लड़की ने स्टेटमेंट दिया,
नहीं वो कुछ बताने की हालत में नहीं है और मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं है। समझ बैठा मैंने कवर करना, चलो बाहर जाओ। यहां जो भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना वादा करता हूं कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। घबराओ मत, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड लखनऊ से यहाँ पर हनीमून मनाने आए थे। हम लोग बाहर से मूवी देखकर वापस आए और मेरे हस्बैंड चाबी ले रहे थे, तभी वो दोनों गुंडे ऊपर से आए और मुझे बुरी नजर से देखने लगे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रूम में वापस आ गए। मैं बाथरूम में थी तभी आरामजादे दो थे। किसी दरिंदगी की हिम्मत मस्तान गैंग के सिवा कोई कर नहीं सकता। होटल के स्टाफ और वॉचमैन से पूछताछ करो। कोई गवाही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सीधी तरह ना माने तो मार के निकालो। हम तो सिर्फ मारेंगे, वो तो मारे डालेंगे। मस्तान गैंग के खिलाफ गवाही देकर कौन अपने बच्चों को अनाथ बनाएगा? बेंडे, मैं अभी अंदर उस लड़की से वादा करके आया कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या उस वादे की कोई अहमियत नहीं? आज इस शहर में हमारी कोई हैसियत नहीं, तुम कहां वादे को लेके बैठे हो। कायरो जैसी बातें मत करो भिंडे। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। मानता हूँ कि कपड़े उतार कर नंगा किसी और ने किया है, लेकिन उसकी इज्जत हमारी नाकामी ने लूटी है। ऊपर से ये भी आ गया, अब तू जेल से। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। भिंडे साहब, इनकी तहजीब में भी तेजाब है। खैर, मुबारक हो। मतलब एक और धमाकेदार केस आपने यूं ही सॉल्व कर दिया। बताइए कैसा लग रहा है? हाँ, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई होगी इस बार? मतलब हादसा बीच बाजार हुआ है, इतने सारे गवाह होंगे आपके पास। वैसे भी हमारी पुलिस की काबिलियत का तो कोई जवाब ही नहीं। शेर जब बूढ़ा होता ना, कुत्ते भी भौंकने लगते। सादिक, तुम भी ताने मार लो, पर वैसे भी ये खबर जब तुम अखबार में छापोगे ना, तो ऐसे ही पुलिस की मोराल की धज्जियां उड़ने वाली है। किस मोराल की बात कर रहे हैं भिंडे साहब? पुलिस से ज्यादा मोराल तो हिजड़ों का है, वो तो फिर भी कुदरत से मारे हुए हैं। आपका क्या बहाना है? नसीहत देना आसान है सादिक, कुछ सलूशन हो तो बताओ। सलूशन है भिंडे साहब, आइए आइए। आपने शोले पिक्चर देखी? अब कहानी सुनाओगे? उसमें एक डायलॉग है, लोहा लोहे को काटता है। मतलब? जुबेर और दिलावर हक सर, कांस्टेबल इम्तियाज के बेटे। हाँ, अब धर्मेंद्र और अमिताभ तो आपको मिलने से रहे, इन दोनों से काम चल जाएगा। हाँ मिलेंगे।
नाम क्या है बे तेरा? जुबैर इम्तियाज हक सर। दिलावर इम्तियाज हक सर। जिप में बैठो। मेरे लिए काम करोगे? कैसा काम? वही जो तुम अभी कर रहे थे। वो जो करने का पुलिस में दम नहीं है। नहीं, वो जो हमें करने की इजाजत नहीं है। मुझे इस शहर को साफ करना है और उसके लिए मस्तान गैंग का साफ होना जरूरी है। जिस सफाई की आप बात कर रहे हो उसमें सड़कों पे साबुन का पानी नहीं, खून बहेगा। चलेगा, तुम दोनों को पुलिस से कोई परेशानी नहीं होगी इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। वाह साहब, आपका ऑफर तो फ्रीडम फाइटर के जैसा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मंजूर है या नहीं? सोच के बताएंगे। छोटे ने कहा ना, सोच के बताएंगे। यानी कि एक शोले ने दिलावर और जुबैर नाम की चिंगारी को आग बना दिया। शोले ने और भी बहुत कुछ किया। सादे खुद को ठाकुर और दिलावर जुबैर को अपना जय वीरू समझने लगा। इसी गलत फहमी में उसने अपने अखबार में कालिया और सांबा यानी याकू और बाटला दोनों की तस्वीरें छाप दी। सलामकुम मियां। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पहला पर्चा। सादिक मियां, ये तो खुल्ला छाप दिया दोनों को। ये कहां की अकलमंदी है भाई? ये सच है। सच अकलमंद हो ना हो, कम से कम झूठ की तरह बुजदिल तो नहीं? बुजदिली अक्सर लोगों को जिंदा रखती है। तुम्हारे मशवरे में छुपी फिक्र को देखकर अच्छा लगा। लो भाई, हमारा फर्ज है आपको खबरदार करना और मेरा फर्ज है खबर छापना। वैसे भी जब तक तुम दोनों हो मुझे क्या होगा? भेंडे मिला था तो हमारी सिफारिश आप ही ने की थी। तो आप चाहते हैं कि हम पुलिस के लिए काम करें? नहीं मियां, तुम पुलिस के लिए नहीं, पुलिस अब तुम्हारे लिए काम करेगी। अच्छा, दोनों की फोटो छपी है, एड्रेस भी है, ब्लड ग्रुप छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन है। सारा का सारा काम इस पेपर ने तो कर दिया है, अब पकड़ने का काम तो हम कर सकते हैं। अफवाक, आज तक उस एरिया में कोई पुलिस वाले गए नहीं। जानता हूं, इसलिए वो हरामी किसी भी इलाके में जब चाहे जो मर्जी करते हैं। मैं वहां उनके इलाके में उन्हें अरेस्ट करने जा रहा हूं, चाहो तो साथ आ सकते हो। वर्दी में अंदर जाएंगे तो कफन में बाहर आएंगे। कफन सर पे बांध के जाते हैं। एक बार याकूब लाला और बाटला को बाटली में उतार दिया तो ये वर्दी मेडल टांगने के काम में आएगी। क्या बोलता है? चल बेंडे, सबको हीरो बनना है। ये अमिताभ बच्चन ने सबकी ठोक डाली है। चौका मारने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अकेला है। सांड कितना भी अकेला क्यों ना हो, उसकी हिफाजत करने के लिए आजू बाजू भांड जरूर रहते हैं। मतलब 11 बजे, 2 बजे करना क्या है? 12 से 3 तू संभाल बेटे, 3 से 4 तू संभालना, 6 से 12 मैं संभालता हूँ। क्या हुआ? जाने दीजिए।
तेरी फोटो में तेरा असली चेहरा दिखाई नहीं देता। असल में तू बहुत ही भयानक है। क्यों बे, तेरी जबान और दिमाग के बीच का तार कटा है क्या, जो मेरे इलाके में आके मुझसे बदतमीजी कर रहा है? चुपचाप मेरे साथ चल, वरना जो फोटो यहाँ छपी है ना, कल मुर्दों के साथ इस पन्ने पे छपेगी। कौन है तू? आफाक भागरा। साहब चल। इंस्पेक्टर आफाक भागरा। मेरे को लेने आया था। कैसे? पुलिस वैन में। आज तक पुलिस की ऐसी कोई वैन नहीं बनी है जो याकूब लाला को अपने इलाके से लेके जा सके। तो फिर ठीक है, एम्बुलेंस में ले जाऊंगा। वाले को बेचते हैं, मेडल नहीं मिला, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। पैसे और मेडल से भी बड़ी चीज मिली, तसल्ली। तसल्ली मिली कि बंबई शहर की सड़कों पर अब एक कमीना कम था। वहां एक को तूने अंदर डाला और रत्नागिरी जेल से दो फरार होने की तैयारी कर रहे थे। मैं नक्की बोलता हूँ, मेरे डब्बे में सूखा आलू होएगा। सुनता ही नहीं। ये देख, सूखा आलू, सूखा भिंडी, सारा रोज का हो गया। अरे यार, भिंडी तो अच्छी लगती है। ए, तू कहाँ हाथ लगा रहा? तेरा टिफिन कहाँ? नहीं है ना टिफिन। क्यों, तेरी बीवी ने आज तेरे को खाना नहीं दिया? अरे खाना क्या, कुछ भी नहीं दिया। हेलो।
खीमा अच्छा बनाती है तेरी बीवी, चक्कर मजा आ गया। वही थाना तेरे बेटे के टिफिन बॉक्स में। कौन बोल रहा? बाटला। कहाँ है मेरा बेटा? फिलहाल तो स्कूल में ही है, लेकिन अभी आधे घंटे में जब रिसेस की घंटी बजेगी और वो अपना टिफिन खोलेगा तो उसे खीमा नहीं बॉम मिलेगा। और तुझे बेटा नहीं खीमा मिलेगा। अहमद, ये कॉल को ट्रेस कर और पता लगा के बात लगा है। बेंडे, तू फॉरेंस स्क्वाड को लेकर स्कूल पहुंच। ठीक है। गाड़ी निकाल रहे। लेकिन इस लफड़े में हम अपने बीवी बच्चों को नहीं डालते। ये बात अपने भेजे में डालते बाटला। ले जाओ इस हरामखोर को। सुनो, तुम्हें यह हक देने की इजाजत मुझे कानून नहीं देता, लेकिन तुमसे यह हक छीनने की इजाजत मुझे मेरा खुदा नहीं देता। ये लो, लो। और जो चाहे करो। फर्क नहीं है, हम दोनों की कमजोरी हमारी फैमिली थी। बस तूने बेटे को बचाया और तू हीरो बन गया। मैंने भाई को बचाया और मैं जीरो बन गया। जेल से आने के बाद तू चाहता तो सुधर भी सकता था, लेकिन जो मजा और बिगड़ने में वो सुधरने में कहा। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं।
मेरी कहानी उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन वो चूतिया अमोलकर ने मेरा नाम एफआईआर में लिखकर मुझे फंसाया। इसलिए बॉम्बे लौटते ही शहर के हर पुलिस स्टेशन पे एफआईआर जमा करवाता गया। नहीं, उसके पहले मैं कहीं और गया। ए मुनीर, साला अब तक कोई काम किया नहीं, किसी गैंग के अंदर घुसे नहीं, और यहाँ पहुंच गए हम। क्योंकि मनिया मेरी जान, यहाँ सुहागरात मनाने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। और वो देख, अरे वैसे भी मैं वो ब्रूस हूँ यार जिसने 8 साल से ली नहीं, अभी देख तो लेने दे कि ऊपर वाले का दिया हुआ पुर्जा अब भी काम करता है कि नहीं। अरे करेगा बेटा, जंग हथियारों को लगता है, इरादों को नहीं। हाँ यार, और वैसे भी यहाँ कमी मजनुओं की है, ले रहा हूँ कि नहीं। औरत बाबा आदम के जमाने से हम मर्दों की मार रही है, एक सेब को क्या तरसी, हमें जन्नत से बेदखल कर दिया। पलट के देखा जब बादशाहों को, तख्ते पलट गए, तेरा क्या होगा। तूने जिसका हाथ पकड़ रखा है वो जुबैर की मोहब्बत है। मोहब्बत है तो मोहब्बत को कोठे पे नहीं, कोठी में रखते हैं, ताकि लोग जुर्रत कम और इज्जत ज्यादा करें। गलती उसकी नहीं है जुबैर, उसने हमारी हिफाजत की है। शुक्रिया। एक मिनट, मैं इस काम के पैसे नहीं लेता, कोई काम होगा तो बताना। ठीक, कल मोहम्मद अली रोड पे आ जा। मोहम्मद अली रोड पे कहाँ? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम भाई, मैं शेख मोहम्मद यूनुस मुनीर, भिवंडी में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा और बिगड़ा। 11 साल का था जब पहली चोरी की, और 13 साल का था जब पहली बार जेल गया। जैसे 18 साल को हुआ 8 साल की लग गई। ए, बस कथा भर गया, काम मांगने जा रहे तेरे बाप का दहेज नहीं चूतिए। अभी चूतिए जो भी है मांगने जा रहे हैं, और मेरे बाप हाथ जोड़ता हूँ, वहाँ कोई लफड़ा मत करना, और ये ऊपर का बटन बंद कर, ज्यादा हीरो मत बन। सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम। मैं शेख मोहम्मद यूनुस मुनीर, भिवंडी में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा और बिगड़ा। 11 साल का था जब पहली बार चोरी की, और 13 साल का था जब पहली बार जेल गया। काम क्या करेगा? जो आप बोलो भाई, किडनैप, वसूली, डकैती, चोरी, हाफ मर्डर, मर्डर, रेप भी, अगर आइटम अच्छी हुई तो। काम क्या करेगा? शरीर में 206 हड्डियां हैं और संविधान में 1670 कानून, हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हूँ। फसल बरसात सूखती है, बादल के गरजने से नहीं। फसल उगानी होती तो गांव जाकर हल चलाता, बंदूक चलाने शहर नहीं आता। हाँ, ये तो ऐसे ही बोल रहा है भाई, हमें आपके साथ काम करना है बस।
क्यों छूटे? जबान कुछ ज्यादा चलाता है। चाटने से चलाना अच्छा। ये मेरा भाई है दिलावर, इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना, समझा? क्या क्या आज अगर रमजान का पहला दिन नहीं होता ना, तो मोहम्मद अली रोड के कसाई खाने में इसका गोश्त दिखता, समझा इसको? अपनी गली है भाई, अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है। सिर्फ इसी गली में नहीं, बंबई की किसी भी गली में चले जा, शेर सिर्फ एक ही है, जुबेर इम्तियाज अक्सर। ए, लेकर निकल अपने दोस्त को और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। रखूंगा, और जिस दिन रखूंगा जंगल यही होगा, लेकिन शेर बदलेगा। तेरे को बोला था ज्यादा होशियारी मत करना, अब लग गई ना। अब इस शहर में एक भी गैंग हम दोनों को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं जाना किसी गैंग में, अब अपनी गैंग खुद बनाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन गैंग सिर्फ दो लोगों से नहीं बनती। गैंग में होगा कौन? थैंक यू मैडम, मेहरबान कदरदार। आपके हाथों पीटेगा आज ये पहलवान। बस पाँच रुपए, बस पाँच रुपए में पाँच मिनट भी अपना खुन्नस निकाल। सुबह बीवी ने पकाया, बॉस ने ऑफिस में दिन भर सर खाया, बढ़ते दामों ने दिमाग हटाया, पड़ोसी को देखकर बीवी ने पल्लू गिराया, पगार से लेकर पेंशन की टेंशन, हर परेशानी की खुन्नस निकालने का यही है मौका। जाओ गया। अब तू 10 मिनट के लिए हमारा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे अपनी गैंग में जमा करने आए। तुम दोनों के साथ में रहूंगा तो जिंदा नहीं बचूंगा। अबे साले, जीना भी कोई जीना है? बाहर बंदर बनने से अच्छा तो तू जेल के अंदर ही था, कम से कम तेरी इज्जत तो थी। हाथ मत उठा गांडू, पैसे दिए। देख वीरा, तुझे इज्जत की रोटी खिलाऊंगा उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन रोटी के साथ इज्जत जरूर दिलाऊंगा, क्या बोलता है? तेरे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखाया कि दोस्त और मौके बार बार नहीं आते। साले मारा क्यों? तेरे 10 मिनट खत्म। यह क्या जो शूटर है? नाम है कि गाली है? मजाक कर रहा था। आ बैठ, कुछ लेगा? दूध वूध नहीं? आइसक्रीम? ए वीरा, बच्चे के लिए आइसक्रीम मंगा ना। मस्करी हो गई हा? अब काम की बात करें क्या? काम की बात? गोटियों से खेलने की उम्र में गोलियों से खेलेगा। बस बहुत हो गया, वरना 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 क्या? आई के पास जाके रोएगा? टोक दूंगा। अबे चुतिये, तू ठोकेगा मुझे? ज्यादा बोलेगा ना तो खेलने के लिए तेरे पास गोटियां भी नहीं रहेगी गांडू। तेरी माँ की दिखा दिया ना बचपना, बंदूक चलाने से पहले बंदूक संभालना सीख, नहीं तो गलत जगह पे फट जाएगी। मेरा बचपना तो देख लिया हाँ, अब हुनर दिखाओ क्या? तेरे को खुद पे बहुत भरोसा है ना? हाँ है, क्योंकि मेरी बंदूक से निकली हर गोली पहले मुझे सलाम ठोकती है और फिर मेरे निशाने को। ठीक है,
पीरा अंगूर दे। ये ले। चल दिखाओ ना। ए, ए मनिया क्या बक रहा है तू यार? इसका निशाना चुका तो तेरी किस्मत है, तू ही लाया ना इसे। अब या तो लंगूर फटेगा या अंगूर। ए पहलवान, आज तरबूज नहीं खा सकता था क्या? ए, यहां से नहीं। ए मनिया, ए मनिया सुनना, अपने को शूटर चाहिए, ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं क्या? ए, आराम से छोड़ू, आराम से। अरे हट। पहली बार देखा मनिया, अंगूर फटा ऊपर, जूस निकला नीचे। कितनी बार बोला है तुम लोगों को, पूरा आगर बाजार भाटकर दादा का एरिया है, यहाँ भाटकर दादा की सेवा किसी को हफ्ता नहीं मिलेगा। वापस आ गए साले। तो मनिया सुर्वे के लिए क्या जवाब है तेरा? मनिया सुर्वे के लिए जॉब चाहिए तेरे को? जॉब चाहिए तेरे को? ये ले मेरा जॉब। अबे चल। मनोहर अर्जुन सुर्वे, मनिया सुर्वे। मुत्याना, आज के बाद जब भी तू मनिया सुर्वे का नाम सुनेगा तो डर के मुंह देगा। मैं तेरे को हफ्ता देगा, देखा ना, हफ्ता देखा ना तेरे को। भाई देखो क्या लिखा है। क्या पढ़वा रहा है ज्ञानचो? पढ़वा रहा हूँ, पप्पू पाटिल की गांड फट गई है। उसने गोली चलाने वाले का नाम बताने से मना कर दिया है। सूत्रों के अनुसार उसका नाम मनिया सुर्वे है और इस नाम की दहशत पूरे दादर और अगर बाजार में आग की तरह फैल रही है। बोल, काय को मिलना चाहता था? सुना है तेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए तेरे लिए वारिस ढूंढा है। अच्छा? आज से तेरी इस गोदी का आधा हिस्सा मनिया सुर्वे का, और कुछ साल बाद जब तू रिटायर होगा तब तेरा बाकी का हिस्सा भी इसका। कुछ साल पहले तेरे जैसा ये कॉकरोच आया था यहाँ धाधा बनने के लिए, मैंने उसे भी यही नसीहत दी थी लेकिन वो समझा नहीं, कुछ चला गया साला। अरे क्या नाम था उसका? हाँ सुर्वे, भार्गव सुर्वे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो भाई था ना उसको भी आपने वो अमोलकर से 302 लगवा कर अंदर करवा दिया, और फिर मैंने उन दोनों को अंदर ही मरवा दिया, किस्सा ही खत्म कर डाला।
सजा देने के बदले अगर तू किस्सा नहीं सुनाता तो आज तेरा किस्सा खत्म नहीं होता। क्या मतलब? शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। मनिया सुर्वे भार्गव सुर्वे का छोटा भाई। तो मुझे भीज बाजार में सबके सामने ठोकेगा? अब इसका क्या करना है? नाम क्या है तेरा? जमाल। काम करेगा? हाँ। वैसे इसके लिए क्या करता था? इसका बॉडीगार्ड था मैं। चल, हम लोग की बॉडी अच्छी तरह गार्ड करना। एक बात बता चोदू, तेरा नाम ज्ञानचो क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान बहुत चोदता है। अच्छा, तो आज कोई नया ज्ञान? सुनो, ज्ञानचो का नया ज्ञान, हर मर्द की जिंदगी उसके आइटम के पीछे घूमती है और हर आइटम के तीन चैप्टर होते हैं। चैप्टर वन, जब आइटम को पटाना हो तब तुम किशोर के प्यार भरे उम्मीद के गाने गाते हो, ये शाम मस्तानी मेरे सपनों की रानी। पल पल दिल के पास। करेक्ट। आइटम मिल जाती है, तुम उससे खेल लेते हो, फिर चैप्टर दो शुरू, रफी साहब का। अबे चूती, जब आइटम मिल गई उससे खेल लिया तो रफी की क्या जरूरत है बे? अबे घोचू, दोबारा नहीं खेलना क्या? तब रफी के सुपर रोमांटिक गाने काम करते हैं, जैसे जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात और तुम्हारी ऐश हर रात। तो तीसरा चैप्टर कौन सा है? तीसरा चैप्टर है मुकेश का, जब लड़की तुम्हें छोड़ के तुम्हारा दिल तोड़ के चली जाती है, तब मुकेश के दर्द भरे गाने तुम्हारे जख्म पर मरहम का काम करते हैं। और फिर क्या, फिर दोबारा किशोर, फिर नई आइटम आएगी, फिर नया रोमांस चालू होगा। यार किशोर, रफी, मुकेश का चक्कर तो चलता ही रहता है। यो वेटर, व्हाट द फक इज दिस, हाउ कैन दे यूज सच लैंग्वेज? चीयर्स ब्रो। चीयर्स। एक्सक्यूज मी सर। सर आप लोग इस तरह की भाषा यूज ना करें, हमारे बाकी किसको प्रॉब्लम हो रहा है। वाह वाह वाह, वो अंग्रेजी में फक फक बोले तो ठीक है, हाँ, और हम शुद्ध हिंदी में गाली दे तो उसको प्रॉब्लम है? उस अंग्रेज की औलाद को जाकर बोलो बी इंडियन, अब्यूज इंडियन। चल भाग बहनचोद, भाग। कहाँ से आ जाते लोफर साले। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, इस तरह बात। तू माँ से मिलने नहीं गया? अगर जेल से छूटा होता तो जरूर जाता, लेकिन जेल से भागने के बाद के रास्ते में माँ का घर नहीं पड़ता। यहाँ मिलोगे? पुरानी आदत है तुम्हारी, उम्मीद जल्दी छोड़ देती हो। और झगड़ा करने की तुम्हारी पुरानी आदत है। झगड़ते तब है जब दर्द होता है, और दर्द तब होता है जब प्यार होता है। लेकिन कहते हैं वक्त के साथ दर्द भी कम हो जाता है। झूठ कहते हैं। ये दर्द तब से कम नहीं हुआ जिस दिन से तुम किसी और की बीवी बनी। और अगर मैं कहूँ शादी के एक साल बाद उसी की बेवा बनी तो?
तुम्हारा दर्द कम होगा। चार डब्बे रख रख गाड़ी में। ये अमल कर, पहचाना नहीं? तू क्या फिल्मों का हीरो शीरो है जो तेरे को पहचान? मनोहर अर्जुन सर्वे तो याद कर, भार्गव सर्वे, कॉलेज के रिजल्ट का वो दिन, दफा 302 और भाटकर की रिश्वत। ओ याद आया, कब छूटा जेल से? छूटा नहीं, भागा। तू अब पुलिस वाले के साथ धत्तिंग करेगा? तेरी वजह से हर पुलिस वाले के साथ धत्तिंग करता हूं। सबके सब हरामी है साले। मेरी नहीं, मेरी मां की थी। अब तुझे अफसोस होगा कि तेरे बाप ने तुझे पैदा करने के लिए तेरे को ठोकाई क्यों। मेरे बच्चे मुझे माफ कर दो। क्यों? तूने ही कहा था ना कि तेरे बाल बच्चों को पता है कि तू कितना बड़ा कमीना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उसको अपने घुटनों पे झुकाने का बड़ा शौक था ना तुझे। आज तेरा यह हाल है कि तू अपने घुटनों पे खड़े रहने के लायक नहीं है। क्या देख रहा है? तेरी घड़ी। 350 रुपए की HMT किसी भाई की दी हुई रोलेक्स नहीं है। क्या फर्क पड़ता है ऑफिसर, वक्त दोनों दिखाती है, तेरी तो नियत भी दिखा रही है। क्या मतलब? जब तू गाड़ी में आकर बैठा तो 2:05 हुए थे, अब 3 बज रहे हैं। वडाला कॉलेज से साइना हॉस्पिटल का रास्ता सिर्फ 10 से 12 मिनट का है, ट्रैफिक मिली तो 15 मिनट। तो गाड़ी घुमाए जा रहा है इस फिराक में कि जो काम कोहली नहीं कर सकी तेरी खड़ी कर देगी। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा ऑफिसर। बीच में मैं तुझे 10 गोलियां मार सकता हूं तो अकेले में तेरे सर में 1 गोली मारने से मुझे कौन रोकेगा? तेरी सांसें इस गाड़ी के पहियों की तरह इसलिए चल रही है क्योंकि तेरी कहानी दिलचस्प है और मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या हुआ। शराफत से आगे सुनाता जा और इसका एंड बदलने की कोशिश मत करना। मरेगा तो तू जरूर मनिया, क्योंकि जीते जी तूने कानून की इतनी ठुकाई की है क्या तुझे खुदा की खुदाई भी नहीं बचा सकती। साली क्या मस्त जगह बनाई है यार, एक से एक कड़क आइटम आती है ना? क्या फर्क पड़ता है भाई, अबे एक बार बत्ती बंद हो गई अंधेरे में सब हेमा मालिनी। और अपन बादशाह भाई, बादशाह चूतिया था जो उसने ताजमहल बनाया, तू होता तो क्या बनाता? कुतुब मीनार। क्यों? लंबा है और इतने सालों से खड़ा भी है बेंच। ये टेबल रिजर्व्ड है सर। क्या आप भी रिजर्व्ड है? नहीं सर, सॉरी। किसके लिए रिजर्व्ड है? जुबेर भाई के लिए। साल के 365 दिन ये टेबल इस शहर की तरह इसके असली हकदार के लिए रिजर्व्ड रहता है। जगह जगह मूद कर अपना इलाका कुत्ते रिजर्व करते हैं। शेर कब से करने लगे? कॉमेडी अच्छी करता है, नया दिलावर बनने की बजाय नया महमूद क्यों नहीं बन जाता है? तुझे क्या लगता है, सड़क से 2-4 लौंडे उठाने से, बेकार के पुलिस वालों को मारकर अखबार में फोटो छपवाने से तू इस टेबल का हकदार बन गया? हकदार तो मैं हूं, इस टेबल का भी और इस शहर का भी। लगता है तुझे हकदार और चौकीदार में ज्यादा फर्क नहीं पता। इसकी? नहीं, आज गुड़ी पाड़वा है और हमारे में गुड़ी पाड़वा पे हाथ नहीं उठाते। वैसे भी तेरे भाई का एहसान मंद हूं मैं, अगर उस दिन उसने हाथ नहीं उठाया होता तो आज मैं तेरे पीछे खड़ा होता। पीछे खड़ा होता और पीठ पे वार करता। जिस दिन करेगा मनिया सुरवे छाती पर वार करेगा। तो दुआ करूंगा ना वो दिन रमजान पे आए ना ही गुड़ी पाड़वा पे, ताकि ना तुझे भागने का मौका मिले और ना ही छुपने का रास्ता। ये तो उसी दिन देखेंगे कि कौन भागता है और कौन छुपता है।
पीजिएगा। नहीं मैं नहीं पीता। ये सिर्फ चाय पीते हैं। वैसे भाई साहब आप भाभी जी और छोटू को साथ में नहीं लाए? वो माँ के पास गई है मैके, सलमान को भी साथ ले गई है। अरे क्या बात है फाक, लकी है तू यार। नहीं मैं सुमन को बोला, कभी कभी मायके जाया कर, जाती ही नहीं। इसकी माँ आती है 15-15 दिन में। आप लोग बैठिए, मैं अभी खाना गर्म करके आती हूँ। आज का अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा, अब बरोबर है ना? आज नहीं तो कल अमोड़कर को पढ़नी ही थी। मुझे प्रॉब्लम उसके मार खाने से नहीं, अगर उसे जान से भी मार देते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो साला वर्दी में था। वर्दी चाहे फौजी की हो या हमारी, यही लोगों को भरोसा दिलाती है कि उनका मुल्क उनका शहर महफूज है। लेकिन अगर एक मामूली गुंडा एक पुलिस वाले को खुलेआम वर्दी में मारता है तो अकेला नहीं, हम मार खाते हैं। ये वर्दी लोगों को भरोसा देती है, हम नहीं। तू पब्लिक की बात कर, यहाँ अपने डिपार्टमेंट वालों को खुद की वर्दी पे भरोसा नहीं रहा। आमोड़कर को देख, मान्या से इतना घबर गया है कि उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं। बुरखा पहन के गया था हेडक्वार्टर अर्जी डालने, ट्रांसफर की मांग की है। बोलता है बॉम्बे से जितना दूर भेजोगे उतना अच्छा। अब बोल क्या करना चाहिए? ये जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा। हम हाथ में बंदूक हो तो हिजड़ा भी अपने आप को मर्द समझता है, एक गुंडे के हाथ में बंदूक हो तो खुद को खुदा समझता है। छोड़ना फाक, तू मान्या को ज्यादा महत्व दे रहा है। छोटा मोटा मवाली एक दिन कुत्ते की मौत करेगा, देख लेना। चिंगारी माचिस के डिब्बे में क्या बंद होगी, लोगों ने यह समझा कि वो सिर्फ सिगरेट जलाने के काम आती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसी चिंगारी को अगर हवा लग जाए तो वो चिताएं भी जलाती है। जलाने दे साले को एक दूसरे की चिताएं, अपन उसी चिता की आग में हाथ। मनोहर क्या है ये, तू जेल से भागा है? नहीं, चारधाम की यात्रा करके लौटा हूं। उम्र कैद हुई थी मुझे, नहीं भागता तो जिंदगी भर वही सड़ता। बंबई शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है, गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मन्या सुर्वे, बाप। ये क्या हो गया तुझे? मुझे यकीन नहीं होता तू वही मनोहर है जिसे मैंने प्यार किया था। अरे मर जाओ मनोहर। तूने कभी अस्पताल में ईसीजी की मशीन देखी है? उसकी लकीर जब तक टेढ़ी चलती है आदमी जिंदा रहता है, जैसी सीधी हुई आदमी खत्म। वो मनोहर सीधा था इसीलिए मर गया, ये टेढ़ा है इसीलिए जिंदा है। वो कमजोर और बेवकूफ था, ये ताकतवर और चालाक है। वो निर्दोष था फिर भी उसे सजा काटी। मैं गुनेगार हूं लेकिन आज भी आजाद घूम रहा हूं। आई एग्जाम में कॉपी करने से डरता था वो, और मैं आज मुझसे जमाना डरता है। मैं नहीं डरती मनोहर, और अगर तू ये सब नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। जैसे पहले छोड़ा था। हाँ कहाँ जाएगी तू? अकेली लड़की की साड़ी सफेद हो या रंगीन, जबरदस्ती उतारने वाले हरामियों की कमी नहीं है इस शहर में। अगर तू मेरे साथ रहेगी तो कोई तुझे छू नहीं सकेगा, समझी? तू तो छूएगा ना, और तुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है। घिन आती है मुझे तुझसे। तुझे क्या लगता है मन्या सुर्वे का बिस्तर गर्म करने वालियों की कमी है? जिसकी तरफ इशारा करूंगा सली दौड़ के आएगी। शादी की हालत क्या चाहिए? खराब है। कोई स्टेटमेंट दिया? पुलिस को कुछ नहीं बोलेगा, उन दोनों भाइयों से बात कर रहे हैं। We'll be right back.
क्या कहा सादिक ने? क्यों? स्टेटमेंट लिखेगा और फिर क्या? अरेस्ट करेगा जैसे पहले किया था। क्या उखाड़ लिया वो करके? साले 10 दिन में हरामजादे बेल पे बाहर आ गए और ये हाल किया सादिक मियां का? तेरा गुस्सा जायज है जुबेर, इसलिए तेरी ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी मत समझ। कमजोर नहीं साले, पुलिस वाले तुम सब नामर्द हो। बंदूक तो है लेकिन गोली में लोहा नहीं है। पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयन की कमी नहीं होगी, समझा? ए, तो बाटला और लाला को जाकर ठोकना, यहां किसको गमी दिखा रहा है? जो भी अभी करना है ना वो हम करेंगे। ऊपर जो गया ना हमारे बाप से कम नहीं था। देख अब उस बाप के लिए कैसे ठोकते हैं मस्तानों की। ले जाए इसे, वरना मुंह बोले बाप के साथ अपने सगे भाई को भी खो देगा। जा रहे हैं, लेकिन तुम सब अब 2 लाशों के लिए तैयार हो जाओ। चल रहे। कुछ भी किया तुम भाइयों ने ना, तो 2 लाशें तुम्हारी होंगी। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। और ये गुनाह तेरी आखिरी गलती थी लाला। कुमार क्या अंबट कटिंग पे कटिंग। बड़ी चर्बी है तुम दोनों में, अभी तक यहीं बैठे हो। वो क्या है ना, जनरल नॉलेज है कि पुलिस हमेशा देर से आती है, सोचा यहीं इंतजार कर ले। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास, पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यहाँ गवाह गांधी जी का नहीं हमारा बंदर है, जो ना हमारी बुराई सुनता है न देखता है न बोलता है। गवाह चाहिए ना तुझे, गवाह खुद चल के आएगा तेरे पास। माफ कर सो। तेरी माँ की भाई छोड़े, फिकर मत कर बांटला, तुझ पे इतने मेहरबान नहीं है कि तुझे इतनी आसान मौत दे दे। तेरा जिस्म जितना तड़पेगा सादिक मियां की रूह को उतना ही सुकून मिलेगा। नहीं सरकटी मुर्गी को देखा है भाई? भाई कैसे फड़फड़ फड़फड़ाती है वो, जिस्म को यकीन ही नहीं होता कि उसका सर कलम हो चुका है। और वैसे ही फड़फड़ाते हुए तू पायदोनी पुलिस स्टेशन जाएगा और अपने सारे गुनाह कबूल करेगा।
कर दो साहब, अंदर कर दो मेरे को साहब। मैं अपने हर गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ साहब। वो चावला गेस्ट हाउस का जिम्मेदार मैं था साहब। सादिक को भी मैंने ही मारा और वो याकूब को भी मैंने खत्म किया साहब। मेरे हाथ किसने काटे? अरे ये मैंने खुद ही काटे हैं साहब। आपको मेरे पे जो केस थोपना है थोप दो, पर अभी मेरे को अंदर डाल दो साहब। ऐसा अंदर डाल दो ना साहब। ए, चल, चल। अंदर डाल दो ना साहब। सलाम साहब। क्या खबर है? खबर एकदम कड़क है। आज वो होने जा रहा है जो बंबई के अंडरवर्ल्ड में अब तक कभी हुआ नहीं है। सुलह मस्तान और हक्सर भाइयों के बीच। कहाँ? हाजी मकसूद के घर। हम यहां सुलह कराने आए हैं, गली के कुत्तों की तरह लड़ने नहीं। मकसूद चाचा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आए हैं। आपकी गुजारिश सर आंखों पर। हम आपसे वादा करते हैं कि दुश्मनी की आग हम नहीं जलाएंगे, मगर किसी और ने जलाने की कोशिश की तो उसे बुझाकर कुचलना हमें अच्छी तरह आता है। दिलावर बेटा, क्या हम तुम्हारी इस बात पर भरोसा कर सकते हैं? मकसूद चाचा, हम यहां सब मुसलमान हैं और एक सच्चा मुसलमान अपनी बात का बड़ा पक्का होता है। तो आओ, कुरान पाक पर हम सब हाथ रखकर सुलह के इस फैसले को मुकम्मल करते हैं। वो ऐतिहासिक सुलह साली सुलह कब नौटंकी ज्यादा थी। उन सब ने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई थी। कसम उन्होंने खाई थी, मैंने थोड़ी। औरंगजेब और मीरजादा साले दोगले इंसान थे। सुपेर और दिलावर उन्हें पहचानने से चूक गए। तूने पहचानने के बाद भी उनसे हाथ मिलाया? जब तो लोगों की पीठ में खुजली होती है तो वो एक दूसरे के काम आते हैं, और उन अक्सर भाइयों की लेने की मुझ में कितनी खुजली थी ये तो तू जानता ही है। काफी तेजी से ऊपर चढ़ रहा तू। रफ्तार तेज ना हो तो दुश्मन की चलाई गोली का काम आसान हो जाता है। काम की बात करे, जुबेर को खत्म करने का है, कर सकेगा? हथौड़े के सामने कील रख के पूछता है, ठुकेगा? मनिया, तूने हाँ कह दिया? ये काम इतना आसान नहीं है मनिया। आसान होता तो मनिया सुर्वे के पास नहीं आते। ये शहर सिर्फ दो गैंग चलाते हैं, एक खुद चलकर हमारे पास आए मदद मांगने के लिए, तो वैसे भी हमसे कमजोर हो गए, और दूसरे को हम खत्म करेंगे तो इस शहर का बाप कौन? मनिया सुर्वे। 40 सालों तक शहर पर मस्तानों ने हुकूमत की, फिर एक लौंडा खड़ा हुआ उन्हें टक्कर देने, उनकी ताकत को खत्म करने, इस शहर को अपनी मुट्ठी में करने। जुबैर, और हम उसको मारेंगे। यही बात 100 साल बाद जमाना हमारे बारे में बोलेगा, फिर कोई दिलावर जुबैर या मस्तान को याद नहीं रखेगा, याद रखेंगे हमको, मनिया सुर्वे और उसकी गैंग को। गुनहगार तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ये यादगार बनने का मौका है। कौन कौन तैयार है? मनिया, तू या तो मारेगा या तो मरवाएगा। मरवा दिया तो गम नहीं, लेकिन अगर मारा तो फिर हम किसी से कम नहीं। साहब, सिगरेट पीना।
लेकिन शेर बदल गया। शेर को मारने से गीदड़ शेर नहीं हो जाता। हरामी साले गीदड़ हो इसीलिए झुंड में आयो। साले गीदड़ कहीं के जुबैर इम्तियाज अक्सर कल भी बादशाह था और आज भी बादशाह है। तो फिर बादशाह को मानिया सुर्वे का आखिरी सलाम।
हमारे सब आदमी तैयार है ना? सब बंदे तैयार हैं भाई। मन्या और उसके गैंग से एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। हमारी गली में फौंक करके आता कुत्ता, जरूरत पड़े तो अगर बाजार में आग लगा देना। हाँ मैडम। भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? वो चित्रा के यहाँ गए थे। चित्रा के यहाँ इतनी देर कभी नहीं लगती उन्हें, कुछ तो गड़बड़ है। भाई जेजे हॉस्पिटल से फोन है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है। कोई हाथ नहीं लगाएगा भाई को। जितना काटना था काट दिया, अब काटने की बारी मेरी। जब तक भाई जिंदा था दिलावर पर लगाम थी, अब साला बेलगाम अंडरवर्ल्ड को दौड़ाएगा। जुबेर की कहानी यहां खत्म हुई, यहां से दिलावर की दास्तान शुरू होगी। मौत तो इनके घर हुई है, कल मातम पूरा शहर बनाएगा। विद्या, विद्या दरवाजा खोल। मनोज चला जाए यहां से। विद्या दरवाजा खोल। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा तो तोड़ दूंगा। दरवाजा खोल। गरम करने वालियां नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ तू चाहिए। मैं क्यों? क्योंकि जो मनोहर मर गया वो तुझसे प्यार करता था, और ये मनिया जब तक मरेगा सिर्फ तुझसे प्यार करेगा। Thank you.
بخشے دے مولا کی مغفرت فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما उसका हम सबको बेहद अफसोस है। इसी दिन के लिए सुलह कराई थी चाचा। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम सब अमन चाहते थे, लेकिन जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भाई मेरा गया है, बदला भी मेरा ही होगा। ये मुल्क आबाद रहे ना रहे, कब्रिस्तान जरूर बनेगा। خدا حافظ. मनिया के बारे में बताया इसने कुछ? मुनीर चाहिए।
कहा जा रहा है? जो काम अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करने, दिलावर को उसके भाई के पास पहुंचाने। अगर खुदकुशी करनी है तो पंखे से लटक जा, दिलावर को अपनी जान तोहफे में क्यों दे रहा है? तुझे अब मुझ पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है मनिया, वक्त की है। वक्त की फितरत में ही बेवफाई है। कल हमारी गोद में बैठा था, आज उसकी। तो तू क्या चाहता है कि मैं चूहे की तरह डर के मारे बिल में छुपा रहूं? हाँ, ताकि हमने जो गलती की आज वो कर सके, हमें कमजोर समझने की गलती। और फिर जब वक्त दोबारा पलटी मारेगा तब तू दिलावर को मारेगा। ठीक है, मैं अभी तेरी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं हूं। खुले मैदान में सांप को मारना ज्यादा आसान है, वो बिल में घुस गया तो उसके जहर से बचना नामुमकिन है। नजर हम भी रखते हैं पुलिस वालों पर। यह तो मैं तुझे यहां देखकर ही समझ गया था। बोल क्या चाहिए? मैंने सुर्वे मुर्दा, भूसे का ढेर है शहर, और मैंने इस भूसे में छिपी हुई सुई मेरे आदमी से ढूंढ नहीं पा रहे, और अगर उसे कोई ढूंढ सकता है तो सिर्फ तू। मुंह मांगी कीमत दूंगा तुझे मनिया को मारने की, तेरी सरकारी गोली में जितना लोहा ठोक दे उसके अंदर। ये वर्दी मैंने तेरा शूटर बनने के लिए नहीं पहनी है। चल निकल यहां से, समझ लूंगा तेरा मेरा एनकाउंटर हुआ ही नहीं। एनकाउंटर यानी कि मुलाकात, अच्छा लफ्ज है। तो करा दे मणि का मौसम एनकाउंटर, पैसा और मेडल दोनों दिलवा दूंगा। मैंने क्या कहा, तूने सुना नहीं? जहां दिखे ठोक देना साले को, शूट आउट या एनकाउंटर कोई भी नाम देकर केस क्लोज कर देना। ऊपर से डिपार्टमेंट से इंक्वायरी नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी। देख दिलावर, दो वक्त की रोटी कमाता हूँ, पांच वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, इससे ज्यादा मेरी जरूरत नहीं, और मुझे खरीदने की तेरी औकात नहीं। तू नहीं बिकेगा तो तेरे ऊपर का बिकेगा, ऊपर से ऑर्डर आएगा तो ठोकेगा ना, ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा। हाँ फक, वैसे भी क्या जल्दी थी जो कल तक नहीं रुक सके? आज पता चला सर कि हमारी वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है, ताकि कोई भी आखिर इस पर हक दे तो दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या हुआ? आज दिलावर आया था इस पर हक ले, मनिया सुर्वे की सुपारी दे रहे, वो भी एक पुलिस अफसर को। कहने लगा उड़ा दो उसको, इनकाउंटर कर दो उसका। पहले पैसों की लालच दी, फिर ऊपर से ऑर्डर की धमकी, जी क्या उसे ही वहां ठोक दो। पर कैसे करता सर, पेशाब करने से पहले जिप खोलने की इजाजत भी लेनी पड़ती है हमें। मुजरिम हाथ में भी हो तो पहले सबूत और गवाह ढूंढने पड़ते हैं, फिर एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, फिर वारंट निकलता है, तब तक गवाह या तो खरीदा जाता है या मारा जाता है, और मुजरिम साला आजाद। हमसे तो अच्छी रांड है सर, रांड। वो पैसे लेकर कम से कम ग्राहक को मजा तो देती है, हम क्या करते हैं? हम पहले शपथ लेते हैं, फिर तनख्वाह लेते हैं, फिर पुलिस स्टेशन में बैठकर तमाशा देखते हैं, और मुजरिम कानून को हाथ में लेकर कानून से खेलता है। जो बोलना था बोल लिया, अब मैं बोलूं? ठोक डाल मनिया सुर्वे को, जुल्म दिलावर के लिए नहीं, ना ही ऊपर से किसी के ऑर्डर के लिए, इस वर्दी के लिए, खाकी की इज्जत के लिए। दिलावर ने कहा था कि मैं नहीं तो मेरा ऊपर वाला बिकेगा। कितने में बिके सर? तुम्हें क्या लगता है, ईमान सिर्फ तुम्हारे पास ही है? अफाक इस वर्दी का रंग खाकी किस लिए पता है? क्योंकि ये रंग उस मिट्टी का भी है जिसमें हर पुलिस वाला मिलने के लिए भी और मिलाने के लिए भी तैयार है। तो फिर मनिया है क्यों?
दिलावर क्यों नहीं? कमान किसी को भी मारो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मनिया जेल से भागा हुआ मुजरिम है, ये सभी जानते हैं। दिलावर ने शराफत का नकाब बड़ी समझदारी से पहन रखा है। अगर उसे मारोगे तो सवाल खड़े हो जाएंगे, और मनिया को मारोगे तो मुजरिमों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फिर भी फैसला तुम्हारे हाथ में है, किसी एक को चुनना होगा। मनिया सर, मैं मनिया को चुनता हूं। वेलकम ऑफिसर्स। आज तक किसी भी मुल्क के किसी भी पुलिस अफसर को ऐसा मौका नहीं मिला होगा जो आज हमें मिला है, जहां हम छाती ठोक कर किसी भी मुजरिम को ठोक सकते हैं। लेकिन इस लड़ाई में जब तक मनिया सुरवे जिंदा है, ना हम सोएंगे ना आराम करेंगे। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। हम सब तीन ग्रुप में होंगे। पहला ग्रुप हम और तुम संभालो, दूसरा मैं, और तीसरा बिंडे तुम संभालोगे। ये फाइल जो तुम्हें दी गई, उसमें मनिया सुरवे और उसके गैंगस्टर्स की तस्वीरें। तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन एक अंदाजा लगाने के लिए काफी। साहब, वो कमरा नंबर 10 में है। चल निकल। सर किधर जाऊंगा सर? तेरे को देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा जमाल। तूने मुनीर की जान का सौदा करके बहुत बड़ी गलती की। दिलावर को अभी तेरी जरूरत नहीं, और मनिया तुझे अब छोड़ेगा नहीं। वो तुझे जीने नहीं देगा और मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मुझे बचा लो साहब, साहब मरो। तू जहां जहां जब जब छुपने की कोशिश करेगा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और खुलेआम छोड़ दूंगा, ताकि मनिया तेरी गेम खत्म कर दे। बचा लो साहब। लेकिन एक सौदा है जिससे तेरी जान बच सकती है और तू महफूज रह सकता है। जेल में तू मुझे मनिया तक पहुंचने का रास्ता बता। तुझे सरकारी हिफाजत मिलेगी और सरकार को मनिया। अब बोल। विद्या साहब। विद्या, विद्या आपको मनिया तक पहुंचा सकती है साहब। मनिया कुटिया है, शिव की तुला कदी बैठला होता है। देखो इन तस्वीरों में, देखो इन सब ने सिर्फ मनिया का साथ दिया था, और देखो क्या अशर किया दिलावर ने। मनिया ने दिलावर के भाई को मारा है, सोचो क्या हाल करेगा वो। उसे ऐसी बुरी मौत देगा कि उसकी लाश ना तस्वीरों में पहचानने के लायक रहेगी, ना शमशान में जलाने के। एक बात कहूं, हाजी मकसूद, वसीम लाला जैसे नामी गुनहगार अपना सब कुछ छोड़कर एक आम जिंदगी बिता रहे। हमारी वजह से मनिया भी ऐसा कर सकता है, अगर वो हमसे हाथ मिला ले तो। लेकिन आप मनोहर की मदद क्यों करना चाहते हैं? वो तो पुलिस को अपना दुश्मन समझता है, नफरत करता है वो पुलिस से। वो उसकी सोच है। मनिया की मौत से हमें क्या मिलेगा? हम पुलिस वाले किसी को मुजरिम बनने से नहीं रोक सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि हम मनिया जैसे मुजरिम को दोबारा एक अच्छी जिंदगी बिताने का मौका दे सकते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मनोहर की जान को कोई खतरा नहीं है? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मनिया जरूर मरेगा। हेलो। हेलो मनोहर। मनोहर तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाहता हूँ, साथ चलेगी? कहाँ? पता नहीं, तू साथ होगी तो कोई मंजिल मिल ही जाएगी। कब? कल 12 बजे वडाला कॉलेज। ठीक है।
ये अंबेडकर कॉलेज वडाला का नक्शा है। कल 12 बजे यहाँ मनिया सुर्वे आएगा और हम उसे उसकी जिंदगी का आखिरी सबक सिखाएंगे। लेकिन जिस तरह लोमड़ी शिकार करने से पहले खरगोश को दूर से सूंघ लेती है, मनिया सुर्वे भी शिकार होने से पहले दूर से पुलिस वालों को सूंघ लेगा। बंदूक तो उसके पास भी होगी, लेकिन उसे समझ नहीं आएगा कि वो निशाना किस पे लगाए। क्योंकि हम वहां वर्दी में नहीं, अंडर कवर जाएंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स बनकर, जीन्स टी शर्ट स्पोर्ट्स शूज, अपना हुलिया ऐसा बना लो कि आई शपथ मन्या तो क्या अपनी आई अपने को ना पहचान सके। चलो, तुम सबके हाथों में किताबें होंगी, जिनके पन्नों में ज्ञान नहीं बंदूकें होंगी। मैं और अंबर्ट कॉलेज कवर करेंगे और तुम सब भिंडे के साथ रहना रोड ब्लॉक्स के। अगर मन्या ने बाय रोड जाने की कोशिश की तो बाहर जाने के 3 रास्ते हैं, दहिसर, थाना या वाशी। वाशी मैं संभालूंगा, मानी शेट्टी तुम दहिसर संभालो। यस सर। और जमदाड़े तुम थाना संभालो। यस सर। दुरो, आई एम सॉरी सर, मैं मूछ नहीं मुंडवा सकता क्योंकि हम लोगों में बाप के मरने के बाद ही मूछ मुंडवाते हैं। तेरा बाप तेरी बात सुनता तो वैसे ही शर्म से मर जाता। एक पुलिस ऑफिसर का बाप घर से तब जीता है जब उसका बेटा मूछ क्या ड्यूटी के लिए सर कटाने को तैयार हो। चलो बट तुझे करना पड़ेगा मुड़कर। मैं ही क्यों? क्योंकि मनिया सुर्वे को किसी पुलिस वाले ने तुझसे ज्यादा करीब से नहीं देखा। तू पोस्टमैन की वर्दी पहनकर कॉलेज के बाहर खड़ा रहेगा और उसे पहचानते ही जो बैग तेरे लेफ्ट शोल्डर पर है उसे राइट शोल्डर पर डालकर हमें सिग्नल करेगा। मैं पोस्टमैन की वर्दी नहीं पहनूंगा। तुझे पहनना पड़ेगा मुड़कर। जब तू बुर्का पहन के घूम सकता है तो पोस्टमैन की वर्दी पहनने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? लेकिन अगर उसने मुझे पहचान लिया तो मुझे? इसलिए यह जरूरी है मुड़कर, इससे पहले कि वो तुझे पहचाने तू उसे पहचान।
सरेंडर हो। सरेंडर। दर्ज करो। ओ सर। मनिया सुर्वे डेड ऑन अराइवल, किल्ड इन एनकाउंटर, बॉडी को मॉर्ग में भेज दो। यस सर।